अल्लाम एवरीवन माय नेम इज़ मोहम्मद अली रज़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीवर्स कंप्यूटर सीरीज़ में जो एम ऑफिस के तीन सॉफ्टवेयर हैं उसमें आज हम एम वर्ड का जो है सॉफ्टवेयर इसके बारे में जो एमसीक्यूज़ हैं इंपॉर्टेंट जो पास्ट के पेपर में आ चुके हैं उसके अलावा जो भी आइंदा फ्यूचर में आ सकते हैं इसकी कीज़ के मुतिक या वर्ड के जो सॉफ्टवेयर से मुतलिक जो भी एम बनते हैं वो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे तो स्टार्ट करते हैं विच इज़ नॉट अ फॉन्ट स्टाइल तो बोल्ड अट्लेटिक और रेगुलर ये तीनों जो हैं फॉन्ट स्टाइल हैं सुपर स्क्रिप्ट जो है ये फॉन्ट स्टाइल नहीं है व्हाट इज़ गटर मार्जिन तो मार्जिन जो होता है प्रिंटिंग के दौरान साइड पे पेज के छोड़ा गया होता है जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड में से जिस साइड पे भी आपने बाइंडिंग करनी होती है बुक की या उसके अलावा भी ये कोई भी चीज़ जो उसकी बाइंडिंग के लिए जगह छोड़ी होती है उसे कहते हैं गटर एरिया या गटर मार्जिन गटर पोजिशन कैन बी सेट इन फॉलोइंग पोजिशन वो लेफ्ट और टॉप और राइट right तीनों में हो सकती है यानी ये देखें इधर लेफ्ट भी हो सकती है ये राइट right भी हो सकती है और टॉप पे भी तीनों पोजिशन में हो सकती है विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ मार्जिन तो जो सेंटर होता है वो मार्जिन नहीं होता आपको बताया है कि टॉप पे आप बाइंडिंग करनी हो अगर टॉप पे किसी चीज़ की तो टॉप पे मार्जिन दे, दे देते हैं या राइट right पे या लेफ्ट पे जो है मार्जिन छोड़ देते हैं सेंटर में कहीं पे भी बाइंडिंग नहीं होती तो सेंटर का जो है वो मार्जिन नहीं होता लैंडस्केप क्या है ये पेज की ओरिएंटेशन होती है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट ये दो ओरिएंटेशंस हैं एफ़ एट जो एक की है इसमें अगर वर्ड की फाइल में एफ़ एट को दो बार प्रेस करेंगे तो ये एक वर्ड को सिलेक्ट करेगी अगर तीन मरतबा प्रेस करेंगे तो एक सेंटेंस को चार मरतबा सिलेक्ट करेंगे तो पैराग्राफ और अगर पाँच मरतबा एफ़ एट को कंटिन्यूसली प्रेस करेंगे तो ये पूरे इंटायर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेगी टाइप फेस ऑप्शन विल कम अंडर विच मैन्यू तो जो टाइप फेस के ऑप्शन होते हैं वो फॉर्मेट के मेन्यू में आते हैं बैकग्राउंड कलर ऑन अ डॉक्यूमेंट इज़ नॉट विजिबल इन तो प्रिंट का जो प्रीव्यू होता है उसमें बैकग्राउंड के जो कलर हैं वो शो नहीं होते विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ एम एस वर्ड स्क्रीन तो टैब स्टॉप बॉक्स लेफ्ट एंडेंड राइट एंड ये तीनों होते हैं सेंटर इंटेंड नहीं होता सेंटर इंटेंड और सेंटर मार्जिन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है. शॉर्टकट की फॉर लाइन ब्रेक अगर आप लिख रहे हैं लिखते लिखते हैं, अगर आपने लाइन को ब्रेक करना है नया पैरा स्टार्ट नहीं करना बल्कि लाइन ब्रेक करनी है उसके लिए होगा शिफ्ट इंटर और अगर आपने नया पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो सिर्फ इंटर प्रेस करेंगे अगर F12 प्रेस करते हैं हम लोग तो उसे सेव एज़ डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन होता है इसी तरह अगर कंट्रोल प्लस F12 को हम प्रेस करेंगे तो वो ओपन डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन करेगा हाउ विल एम एस वर्ड विल रिस्पॉन्ड इन रिपीटेड वर्ड्स अगर वर्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उसके नीचे रेड वेवी लाइन आ जाती है या अगर स्पेलिंग मिस्टेक भी हो तो उसके नीचे रेड कलर की लाइन आ जाती है हाओ विल एम एस वर्ड विल रिस्पॉन्ड इन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो ग्रीन लाइन आ जाती है वेव बनी हुई उसके नीचे तो वो शो करता है कि इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है किसी सेंटेंस में वट इज़ द यूज ऑफ ऑल कैप्स फीचर इन एम एस वर्ड तो जितने भी आप सेलेक्ट कर लें टेक्स्ट को उनको सभी को अगर कैपिटल लेटर में अगर आपने चेंज करना हो तो आल कैप्स का ऑप्शन यूज करते हैं विच फाइल इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट एम एस वर्ड तो विन वर्ड डॉट ई एक्सी जो है ये एम एस वर्ड को स्टार्ट करती है वेयर कैन यू फाइंड द हॉरिजेंटल स्प्लिट बार ऑन एम एस वर्ड स्क्रीन तो टॉप पे जो वर्टिकल स्क्रोल बार है वहाँ पर आपको हॉरीजेंटल स्प्लिट बार मिलता है वट इज द यूज ऑफ बुक मार्क्स तो टू जम्प टू अ स्पेसिफिक लोकेशन इन अ डॉक्यूमेंट बुक मार्क्स यूज़ करते हैं कि कोई ख़ास जगह आपने डॉक्यूमेंट में डायरेक्ट वहाँ पे पहुँचना है तो उसके लिए बुक मार्क यूज़ होती है विच फीचर इज़ यूज टू रिप्लेस स्ट्रेट कोड्स विद स्मार्ट कोड्स एज यू टाइप तो ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप है उससे जो है आपके स्ट्रेट कोड जो होंगे वो स्मार्ट कोड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कोटेशन आपकी होती हैं ऑन विच पेज द हेडर और फुटर इज़ प्रिंटेड बाई डिफ़ॉल्टो तो बाई डिफ़ॉल्ट जो होता है वो हर पेज पर हेडर और फुटर दिया होता है अगर आपने स्पेलिंग चेक करने हैं तो उसके लिए F7 की की है हाउ टू इंसर्ट अ साउंड फाइल इन वर्ड डॉक्यूमेंट तो इंसर्ट का है जो ऑप्शन उसमें ऑब्जेक्ट मेन्यू ऑप्शन वहाँ से आप जो है वर्ड में साउंड फाइल ऐड कर सकते हैं हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कैन बी इंसर्टेड इन दी वर्ड डॉक्यूमेंट मैक्सिमम फोर्टी फाइव नंबर ऑफ कॉलम जो हैं आप वर्ड के डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं वट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट अवेलेबल फॉन्ट ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार जो टूल बार है जहाँ पे कैलबरी और इस तरह के फॉन्ट होते हैं उसके साथ जो ऑप्शन होता है फ़ॉन्ट साइज़ का उसमें मिनिमम एट और मैक्सीम जो है सेवेंटी टू उस पर गिवन होता है वैसे जो है मैक्सीम सिक्सटीन थर्टी एट होता है वट इज़ द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज़ ऑफ अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन अ नॉर्मल टैंपलेट अगर आप फाइल खोलते हैं नई फाइल ओपन करते हैं वर्ड की तो उसमें अलेवन जो होता है उसका साइज होता है और कैलिबरी फ़ॉन्ट होते हैं ये मैं 2010 का जो एडिशन है उसकी बात कर रहा हूँ Why ड्रॉप कैप इज़ used इन डॉक्यूमेंट टू begin अ पैराग्राफ विद द लार्ज dropped इनिशियल कैपिटल लेटर यानी अगर पहला वर्ड मैथ्यू का देखें तो ये जो है लार्ज कर दिया गया है और ये अक्सर जो मेथड है न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में यूज़ किया जाता है टू चेंज द फेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट वी विल चूज़ फॉलोइंग मैन्यू ऑप्शन तो फॉर्मेट का ऑप्शन है उसमें आप टाइप फेस ऑफ डॉक्यूमेंट चेंज कर सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इज इनवैलड सिंगल लाइन स्पेसिंग भी होती है डबल लाइन स्पेसिंग भी होती है और इसी तरह मल्टीपल लाइन स्पेसिंग भी होती है लेकिन ट्रिपल लाइन स्पेसिंग नहीं होती ये इनवैलिड है एक्सटेंशन ऑफ वर्ड फाइल तो डॉट डी ओ सी या डॉट डॉट जो है ये वर्ड फाइल की एक्सटेंशन होती है मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट इज तो मिनिमम एक रोज या एक कॉलम आप ऐड कर सकते हैं सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट आउटलाइन इम्बॉज इंग्रेव ये जो हैं फॉन्ट के इफेक्ट्स होते हैं वट वी कॉल टू दैट करेक्टर विच इज़ राइज एंड स्मालर अबाव द बेस लाइन जो ए है इसके ऊपर वन जो लिखा है इसको हम कहेंगे सुपरस्क्रिप्ट। यानी अक्सर आपने देखा होगा टेंथ फोर्थ जो फोर के साथ जो टी एच है वो स्मॉल में टॉप पे लिखा होता है तो वो होता है सुपरस्क्रिप्ट इसी तरह जो ये वर्ड है ए इसके जो नीचे होगा साइज़ में जो छोटा होगा वर्ड वो होगा सबस्क्रिप्ट विच शॉर्टकट की इज़ यूज फॉर 1.5 पॉइंट फाइव लाइन स्पेसिंग अगर 1.5 पॉइंट फाइव की लाइन स्पेसिंग देनी हो इस लाइन और इस लाइन की बात करूँ इनके दरमियान वन पॉइंट फाइव की अगर स्पेसिंग देनी हो तो कंट्रोल प्लस फाइव प्रेस करेंगे टू मूव द करसर टू द एंड और स्टार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच शॉर्टकट की इज़ यूज अगर आपने डॉक्यूमेंट के एंड में जाना है बिल्कुल तो कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करेंगे और इसी तरह अगर आपने डॉक्यूमेंट के बिल्कुल शुरू में जाना है तो कंट्रोल प्लस होम और अगर किसी लाइन की बात करूं यहाँ पे अगर आपका कर्सर है तो इस लाइन के एंड में जाने के लिए एंड की की और इस लाइन के शुरू में आने के लिए होम की 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 एम एस वर्ड इंक्लूड्स अ सीरीज़ ऑफ़ प्री डिफाइंड ग्राफिक कार्ड दैट कैन बी इंसर्टेड इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट तो ग्राफिक जो होते हैं प्री डिफाइंड वो क्लिप आर्ट का ऑप्शन होता है उसके अंदर इंसर्ट होते हैं एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट करना हो अगर वर्ड को राइट right डायरेक्शन में तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो एरोट इंटायर वर्ड उसके लिए है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस अगर आप सिर्फ आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो इस तरह ये क्वेश्चन मार्क डिलीट होगा फिर डी फिर आर लेकिन अगर आप कंट्रोल प्लस बैक स्पेस रखेंगे यहाँ पे तो पूरा वर्ड इंटायर डिलीट होगा इसी तरह पूरा वर्ड डिलीट तो इस तरह पूरे वर्ड को डिलीट करने के लिए कंट्रोल प्लस बैक स्पेस शॉर्टकट की टू स्प्लिट अ टेबल इन एम एस वर्ड तो अगर कोई टेबल इंसर्ट है आपका एम एस वर्ड में उसको आपने स्प्लिट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर वी कैन नॉट क्लोज एम एस वर्ड एप्लीकेशन बाय क्लोज करना हो तो कॉर्नर में कर्सर आता है उसको क्लोज कर सकते हैं या क्लोज के लिए कंट्रोल डब्ल्यू भी प्रेस कर सकते हैं लेकिन अगर मेन्यू में जाएंगे तो उसके अंदर सब मेन्यू में क्लोज की ऑप्शन नहीं होगी माइक्रोसॉफ्ट जो है वो 1975 में फाउंड हुआ अभी लेटेस्ट इसका जो एडिशन है वो 2019 चल रहा है विच अलाइनमेंट इज़ यूज इन न्यूज़ पेपर एंड नावल्स अगर इंग्लिश के न्यूज़ पेपर और नावल्स आप देखें तो उसमें जस्टिफाइड की जो अलाइनमेंट है वो यूज़ की जाती है यानी पहले वर्ड से आखिरी वर्ड तक हर चीज़ जो है वो हाशिए के साथ साथ चलती है यानी बॉर्डर टू बॉर्डर चलती है ऐसा नहीं होता पैराग्राफ की तरह जिस तरह ये वर्ड है यहीं पे ख़त्म हो गया वो पूरी पूरी लाइन के अंदर सारे वर्ड आते हैं स्पेशल शॉर्टकट की पेस्ट की जो होती है वो है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस वी वैसे तो आपको पता है कि कंट्रोल वी होता है पेस्ट के लिए लेकिन स्पेशल पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस वी मूव वन पेज अप और वन पेज डाउन अगर नेक्स्ट पेज पे जाना है पांच सात पेज हैं आपके वर्ड की फाइल में तो कंट्रोल पेज अप के साथ आप ऊपर वाले पेज पे एक एक करके जाएंगे और कंट्रोल प्लस पेज डाउन पे एक एक करके नीचे पेज पे जाएंगे मूव वन स्क्रीन अप और वन स्क्रीन डाउन तो पेज अप से वन स्क्रीन अप जाएंगे और पेज डाउन से वन स्क्रीन डाउन यानी अगर आपने वन फोर्टी या वन सिक्सटी का जो है जूम इन कर रखा है तो अगर आप पेज अप की ऑप्शन लगाएंगे वहाँ पे तो जो बाकी का आधा पेज ऊपर नज़र नहीं आ रहा वो आपको आएगा और इसी तरह पेज डाउन में जो बाकी का नीचे आधा पेज है जो नज़र नहीं आ रहा वो नज़र आएगा तो इवन उसको तीन बार भी आपको ज़ूम इन से दिखाना पड़े पेज को वो नेक्स्ट पेज पे नहीं जाएगा बल्कि उसी पेज को कंप्लीट करेगा जब तक वो सारा स्क्रीन पे नहीं आएगा फंक्शन कीज़ F1 से F12 तक जो टॉप पे हमारे पास कीज़ होती हैं वो फंक्शन कीज़ हैं अब वर्ड के अंदर डिफरेंट शॉर्टकट कीज़ हैं वो मैं बताता जाता हूँ जो आपको आ सकती हैं पेपर में कंट्रोल प्लस ए सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देगा कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड हो जाएगा सी से कॉपी हो जाएगा डी से डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट सेट हो जाएंगे और ई e से जो है सारा लिखा हुआ सेंटर में आ जाएगा एफ़ से फाइंड और जी से गो टू अगर आपने कुछ रिप्लेस करना हो तो कंट्रोल प्लस एच एथलेटिक यानी टेढ़े स्टाइल में लिखना हो तो कंट्रोल प्लस आई जस्टिफाइड उसके लिए कंट्रोल जे हाइपर के लिए कंट्रोल के अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट करना हो तो कंट्रोल प्लस एल यानी लेफ्ट कंट्रोल प्लस एम जो होता है वो हैंगिंग इंटेंड होता है अब देखें तो मोस्टली जो कीज़ होती हैं वो सभी में एक जैसे ही काम करती हैं लेकिन अब इसमें जो है कंट्रोल प्लस एम जो है वो हैंगिंग करती है इंटेंड और कंट्रोल प्लस एम की अगर हम पावर पॉइंट में बात करें तो उससे स्लाइड ऐड होती है तो मोस्टली ये सेम ही होती हैं लेकिन कुछ जो कीज़ होती हैं उनका डिफरेंट सॉफ्टवेयर में बिहेवियर चेंज हो जाता है नेक्स्ट कंट्रोल प्लस एन है नए डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ से एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ओपन होता है कंट्रोल पी से प्रिंट कंट्रोल क्यू हम देते हैं अगर हमने स्पेस एड करनी हो पैराग्राफ के बाद आर से जो है राइट right की तरफ मूव करना होता है एस से सेव एज टी से लेफ्ट इंटेंड यू से अंडरलाइन करने के लिए वी से कंट्रोल वी पेस्ट कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज कंट्रोल एक्स कट और कंट्रोल वाई से रीडू और कंट्रोल जी जो है अन के लिए यूज़ होती है तो ये डिफरेंट एमसीक्यूज थे जो पास्ट के पेपर में आ चुके हैं या उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट हैं वो सभी इस वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दी हैं तो नेक्स्ट एक्सेल की वीडियो है वो भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएगी आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज